हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये जानेंगे कि सोफे में हैंडल का किस प्रकार से इंस्टॉलेशन होता है, किस प्रकार से फिटिंग होता है और किस प्रकार से उसमें नट बोल्ट लगाया जाता है और कितना छोड़ा जाता है साइड से, जो कि गादी का भाग कट नहीं हुआ है। जैसा कि सामने देख रहे हो, यहाँ पे 4 इंच का एक हैंडल बना हुआ है जो कि सोफे के बीम बॉटम लेवल पर बना हुआ है। दोस्तों, यदि सोफे के हैंडल का हाइट 21 रखना है तो 21 भी रख सकते हैं, यदि उससे ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। वो अपने डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से बनता है, जो कि स्ट्रक्चर रहता है वो सेम ही रहता है। जैसा कि अपने अभी हैंडल फिट करके देखते हैं किस प्रकार से रहता है प्रोसेस। जैसे कि इसको हैंडल फिट करने के लिए एक नट बोल्ट रहता है और डबल वाइसर और डबल चाकी रहता है, जो कि आगे चल के आपको वीडियो में मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से इसका यूजिंग रहता है, जो कि डबल लगाने का क्या रीज़न रहता है। जो कि एक साइड का नट बोल्ट जो रहता है वो पूरा हैंडल के अंदर फिक्स रहता है, यानी फिक्स कर दिया रहता है, और जो सोफे के अंदर जो लगते हैं वो लूज़ रहते हैं, जो कि वो गादी वर्क करने के बाद में फिक्सिंग किया जाता है। जैसा कि अपने वीडियो में देख लेंगे किस प्रकार से फिटिंग होता है। जैसे यहाँ पर हमने नीचे बोर्ड लगा दिए हैं, दो पहले से फिक्स कर दिए हैं, और यहाँ पे 19 mm का पट्टा भी मारा है। 19 mm का पट्टा मारने का रीज़न ये है कि जैसे अपना 19 mm का यू फॉर्म लगेगा तो वो अलग से कट नहीं दिखाई देगा। यदि यहाँ पे 19 mm का ये पट्टा नहीं लगाएं तो उसमें कट लगता हुआ दिखाई देता है, जो कि एक सामने से काफ़ी ख़राब नज़र आता है। जैसा कि अभी सामने देख रहे हो कि हैंडल जो हैंडल का एक पार्ट खोला हुआ है 12 mm का, जो इसके अंदर वाइसर और नट को अंदर की साइड से इधर से पूरा डाल देंगे, जो कि हैंडल की जो दूसरी साइड से है उसको नट को टाइट कर देंगे। और नट का टाइट करने का रीज़न ये रहता है कि ये पूरा ही फिक्स हो जाएगा हैंडल, और जो 12 mm का जो प्लाई लगेगा उसको भी पहले से फिक्स कर दिया रहता है, पहले से गादी लगने के बाद में, यानी पूरा खाली नट बोल्ट ही 3 निकले रहेंगे, जो कि सीधा सोफे के अंदर ही फिक्स हो जाएगा। दोस्तों, हमने यहाँ पे 3 नट बोल्ट का उपयोग किया हुआ है। यदि यहाँ पे 4 लगाना है तो 4 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है। और इसको पूरा हैंडल में ही पूरा फिक्स कर देंगे, जैसे कि अपना फिक्स हो के रेडी हो गया हुआ है हो गया है, और उसको इस तरीके से अंदर फंसा देंगे। और फंसा देने का रीज़न ये रहता है कि एक बार उसको टेम्परेरी फंसा देंगे, जैसे गादी वर्क का काम करना हो तो आराम से वो फोल्डिंग रहता है, खुल जाता है वो, और अंदर की साइड में बोल्ट उसके सोफे के अंदर की साइड से टाइट कर दिए रहते हैं, और सोफे का जो हैंडल का पार्ट रहता है वो पूरा लॉक कर दिया रहता है, पूरा फिक्स कर दिया रहता है, जो कि गादी लगने के बाद में ही पूरा फिक्स करके अंदर से बोल्ट मार दिया रहता है। जैसे यहाँ पे अपना बोल्ट लग के कम्प्लीट हो गया है, और पीछे का साइड का जो 12 mm था वो भी यहाँ से पूरा पक्का कर देंगे, ग्लू लगा के या फेविकोल लगा के पक्का कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। दोस्तों, यदि आप कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आप किस तरीके से सोफे का हैंडल फिक्स करते हैं और किस प्रकार से उसका मेजरमेंट रखते हैं, वो आप कमेंट करके बताएं। जैसा कि हमने यहाँ पे साइड में 19 mm का अलग से पट्टा मारा है, तो आप किस प्रकार से करते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जैसा कि आपने देखा कि हमारा हैंडल का जो पूरा पार्ट है वो पूरा फिक्स कर दिया गया है। सो थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।